नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कल की शाम खुद में एक गम समेटे थी। कल शाम देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। रात तक श्रद्धांजलि का तांता लगा रहा। फिर आज की सुबह हुई और हमें एक वीडियो दिखाई दी। वीडियो में एक व्यक्ति बहुत चिंतित और व्यथित दिखाई दिया, चिंता जिसका आभास यथासंभव देश के हर नागरिक को था, जिसका होना आश्चर्य से ज़्यादा स्वाभाविक है। पर बात में वजन डालने के लिए वेदों से अपनी बात को प्रारंभ करता हुए व्यक्ति बताता है कि कल जारी हुए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजरी। देश की अर्थव्यवस्था जो पहले लड़खड़ा रही थी, अब लुढ़क ही गई है और लुढ़क कर -24% पर पहुंच गई। अब हमारा आपसे प्रश्न है, क्या यह चिंता आपको भी आश्चर्यचकित करती है? ये चिंता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे वर्ग की है। और उस वर्ग पर बात करने से पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों और इनके महत्व के बारे में। सरकार का एक मंत्रालय है, नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय के एक विभाग NSO जिसका काम होता है देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब लगाना, तकनीकी भाषा में इसे GDP बोला जाता है। ये विभाग महीने बार, तिमाही, छमाही, सालाना आंकड़े निकालता है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप महीने के अंत में अपने घर के आय व्यय, लेनदारी देनदारी का हिसाब निकालें। NSO ने भी GDP कैलकुलेशन की अपनी विधि से अप्रैल से जून तक के महीने का GDP आंकड़ा निकाला, जो पहली तिमाही होती है। परिणाम कुछ ऐसे थे जो पिछले 60-70 सालों में किसी ने नहीं देखे थे। भारत की अर्थव्यवस्था -24% श्रिंक हो गई। निश्चित ही ये आंकड़े निराशा का कारण है, पर आश्चर्य का तो बिल्कुल नहीं। दरअसल इस पूरे कालखंड में अगर अन्य देशों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इसी दूसरी तिमाही में उसकी सिकुड़ने की दर 33%, जापान 27%, ब्रिटेन 21%, फ्रांस 24, जर्मनी 8। ये वही देश हैं जिन पर कोरोना की मार का असर फरवरी और मार्च के महीने में ही शुरू हो गया था। इन सभी देशों की जनसंख्या भारत की तुलना में बहुत कम है। हालांकि भारत में भी कोरोना का मामला फरवरी में रिपोर्ट हो गया था, जो मार्च में दिल्ली तक पहुंचा। उस समय देश कोरोना से लड़ना तो दूर, पर्याप्त टेस्ट करने के हाल में भी नहीं था। ऐसा लगता था कि ये रहस्यमयी महामारी करोड़ों लोगों को मार देगी। ठीक उसी समय केंद्र सरकार ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और लोकतंत्र को लॉकडाउन में डाल दिया। उस समय भी केंद्र सरकार को यह पता था कि इसके आर्थिक परिणाम देश अगले कुछ सालों तक भुगतेगा, पर केंद्र सरकार ने कठोर निर्णय लिया। सत्ता धर्म के ऊपर राजधर्म को रखा गया। कुछ ही घंटों के भीतर सारा देश घरों में कैद था और जिन सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी वो वीरान हो चुकी थी। ये सब अगले कुछ महीने तक रखना पड़ा। अब इस सिकुड़ती अर्थव्यवस्था की तुलना राहुल गांधी ने वर्ष 2008 की वैश्विक महामंदी से की। राहुल कहते हैं कि 2008 में सब कोलैप्स हो गया था, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देश आदि सब। पर राहुल को यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि 2008 की महामंदी को समझने और उससे निकलने का पर्याप्त समय लोगों को मिला था। 2008 की महामंदी 2008 में नहीं हुई, बल्कि उसकी सुगबुगाहट सालों पहले शुरू हो गई। इन सब के बावजूद भी उस समय देश बंद नहीं हुआ था, जबकि कोरोना काल में फैक्ट्री, दुकान, होटल, मॉल, यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी बंद थी। राहत सामग्री पहुँचाने को अपवाद माना जाए तो ना ही कोई ट्रक चल रहा था, ना ही कोई मालगाड़ी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बंद था। हालांकि इस दौरान सरकार द्वारा लोन और आर्थिक पैकेज तो दिया गया, पर ये किसे मिला है ये पता चलना भी बाकी है। पर फिर भी 2008 और 2020 की तुलना नहीं की जा सकती। राहुल जी को अपने मुद्दों में गहराई लानी चाहिए, वरना ये भी उनका रफेल ही साबित होगा। इस दौरान भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था से ज़्यादा लोगों के जीवन को तवज्जो दी। अगर मार्च और अप्रैल महीने में लॉकडाउन ना किया जाता और केसेस की संख्या आज की तुलना में कई गुना अधिक होती, तब इस देश को ना तैयारी का समय मिलता और ना ही जन जागरण का। अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था किससे छिपी है? ना डॉक्टर पूरे पड़ते हैं और ना ही बेड। ऐसे में देश और साथ में इकोनॉमी को कंप्लीट लॉकडाउन में रखना, ये मोदी सरकार का कैलकुलेटेड रिस्क था। पर इस बोनिफाइड इंटेंशन के बाद भी सरकार को क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था का गिरना पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। अगर वर्तमान की पूरी जिम्मेदारी कोरोना को दे भी दी जाए तो इससे आगे का रास्ता
मोदी सरकार को ही देखना और दिखाना होगा। और वर्तमान में अर्थव्यवस्था में पैसा ना होने का ठीक रहा, भाजपा आईटी सेल कांग्रेस पर भी नहीं फोड़ सकती। इसलिए रास्ता तो सत्तारूढ़ को ही निकालना होगा, चाहे वो नोबेल इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी का सुझाया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो या तेलंगाना सरकार द्वारा अपनाया हेलीकॉप्टर मनी वाला तरीका। 2008 में जब बाजार से पैसे की कमी के कारण डिमांड में कमी हुई थी, तब मनरेगा द्वारा ही पब्लिक स्पेंडिंग ने मनमोहन सरकार को उबारा था। हालांकि खातों में 500 रुपये ट्रांसफर स्कीम, पीडीएस से गरीब लोगों को अनाज भेजना और उज्ज्वला योजना से घरों में गैस की आपूर्ति गरीब तबके और अर्थव्यवस्था की फ्यूलिंग की बेहतर कोशिश थी, पर सिर्फ ये काफ़ी नहीं हो सकता। अब देखना होगा मोदी सरकार किस तरह स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को फिर से जीवित कर देश की अर्थव्यवस्था को पुनः रास्ते पर लाएगी।